चोंगल लावी जी, इको मिनत मला है पार लंघावी जी हो, साड़ी ए हो मिनत मला है पार लंघावी जी हो। दिल काले असी नींद बिगोते ना कर जोर बेजारा उते, तो एक चानन असी हनेरे ताइयों बैठे आन चुफेरे, दस्तगीर हो फजल कमावे की मुल लगदा पार लंघावे, छिट सोजी दे के हड़ा जगावी जी, इको मिनत मला है पार लंघावी जी हो, साड़ी ए हो मिनत मला है पार लंघावी जी हो। सत्कार बाज तरवास नहीं, सत्कार तेरे लई रास नहीं है, जज बथेरा इस देश दा सुना सुनेहड़ा उस देश दा, साथों औगन लैव जाना सरे बने ए हो नजराना, सानू ओ जड़ फुले फिर जानू कर पहुंचावी जी, इको मिनत मला है पार लंघावी जी हो, साड़ी ए हो मिनत मला है पार लंघावी जी हो। है सैदी फरदा मेरा हथ डूंगा है रब कर तेरा, दीद तेरे दिया पुखियां अखियां यादा चोले दिल विच रखियां, लाला रे सवारी सजना कर तेरे तो नहीं है भजना, असी फुल नहार फुल जाइए तू ना भुलावी जी, इको मिनत मला है पार लंघावी जी हो, साड़ी ए हो मिनत मला है पार लंघावी जी हो।
ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਸਭ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦਿਹਾੜਾ ਦਰ ਤੇ ਟੱਠੀ ਅੱਗ ਚੁਲਸਨੀ ਹੋਈ ਮੱਠੀ ਦੀਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਕੀ ਟਹਿਣੀ ਗੁਲ ਦਿਲ ਖਿਲਿਆ ਰੱਖ ਲੈ ਬਾਗ ਚ ਪਾਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਵੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਆਲਾ ਪੋਲਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਓਲਾ ਦੱਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਹਰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾਮਨ ਮੈਂ ਪਾਪਨ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤਰਾਵੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੁਕਾਰੇ ਸੁਮਨ ਕੇਰ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੁਕਾਰੇ ਸੁਮਨ ਕੇਰ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਮਲਾਹੀ ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਲਾਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਜਡੋ ਬਨ ਬੇੜਾ ਆਪ ਬਚਾਵੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮਿੰਟ ਮਲਾ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਜੀ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਜੀ ਇਨਸਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਸੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਏਗੇ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੋੜਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਭਾਈਓ ਨੇ 37 ਨੰਬਰ ਪਿੱਲਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਨੇ 97 ਨੰਬਰ ਪਿੱਲਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ 50 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਮਿਲ ਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ
धन धन सतगुरु ते रही आसरा विषय विकारों में काहे डोले नाम जप ले भोले समय जा रहा है विषय विकारों में काहे डोले नाम जप ले भोले समय जा रहा है विषय विकारों में काहे डोले नाम जप ले भोले समय जा रहा है पर इतवार न लाना इसका काम नरक ले जाना मन पर इतवार न लाना इसका काम नरक ले जाना मन ऐसा फरेबी है जादूगर जाने देता ना घर चुरासी ले जा रहा है विषय विकारों में काहे डोले नाम जप ले भोले समय जा रहा है नाम ध्याना चक्कर जन्म मरण का मुकाना इसी जन्म में नाम ध्याना चक्कर जन्म मरण का मुकाना कब सागर में नैया पड़ी मजदार अभी कर ले तू पार वो देखा रहा है विषय विकारों में काहे डोले नाम जप ले भोले समय जा रहा है जो करने का काम है केवल जपना प्रभु का नाम है तेरा असली जो करने का काम है केवल जपना प्रभु का नाम है ऐसी चीज ना दुनिया में और कोई ना करे गौर कोई क्यों गवा रहा है
जयकारों में काहे डोले, नाम जप ले भोले समय जा रहा है। धन श्वासों का साथ जो लाया, सच्चे सौदे पे क्यों न लगाया। धन श्वासों का साथ जो लाया, सच्चे सौदे पे क्यों न लगाया। साधु की मर्जी बड़ा तिर लोकी का मोल, रे कबीर जी बोल क्यों लुटा रहा है। जयकारों में काहे डोले, नाम जप ले भोले समय जा रहा है। श्वास जिसम से जाए वो वापिस कभी न आए। जो श्वास जिसम से जाए वो वापिस कभी न आए। सजग नाम जी बार बार है समुदाय, क्यों न लाभ उठाए समय जा रहा है। जयकारों में काहे डोले, नाम जप ले भोले समय जा रहा है। जयकारों में काहे डोले, नाम जप ले भोले समय जा रहा है। धन धन सतगुरु तेरे ही। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा से जगरूप सिंह इंसा भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मास्टर निरंजन लाल जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जो भाई बहन कन्नातों से बाहर हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी आके साध संगत के साथ मिलके बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग आया करो, नाम त्याया करो, इस नाम में बड़ी है बहार जी। नाम ते आओ हर वेले, सत्संग आया करो, नाम त्याया करो, इस नाम में बड़ी है बहार जी। नाम ते आओ Thank you.
कटही तीरथ नाए, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बोड़ जन्म ना आए, प्यारे फेर जन्म ना आए। सत्संग आया करो, नाम त्याया करो, दिल हो जे ठंडा ठार जी, नाम ते आओ हर वेले। हर का नाम त्याओ पाई, औखे बेले कम आऊ, जम दूता जद पाल अकेरा ओ दो कौन छड़ाऊ, गुरु बिन ओ दो कौन छड़ाऊ। सत्संग आया करो, नाम त्याया करो, नहीं तो पड़ेगी जमांदी मार जी, नाम त्याओ हर वेले। मचदी अगण बिच साड़ देन गे, अंत खाख दी ठेरी, प्यारे हो जू खाक दी ठेरी। सत्संग आया करो, नाम त्याया करो, ए जोवन है दिन चार जी, नाम त्याओ हर वेले। सब दुनिया दा बाली सुन समाधि लाके देखो, जगदी जोत नराली, प्यारे जगदी जोत नराली। सत्संग आया करो, नाम त्याया करो, देवे दर्शन है करतार जी, नाम त्याओ हर वेले।
खाओ ते बच जाओ, नाम जपो ते काल तो बच के निज कर अपने जाओ, प्यारे सचखंड दे विच जाओ, कहे सा सतनाम जी एहो कर काम जी, एहो नाम है सच्चा तन सार जी, नाम ते आओ हर वेले सत्संग आया करो, नाम त्याया करो इस नाम में बड़ी है बहार जी, नाम ते आओ हर वेले। धन धन सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर निरंजन लाल जी इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री हरदीप इंसान है निजी से भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सतगुरु की प्यारी सत्संग, जब भी आप लंगर लेते हैं तो जरूरत के मुताबिक ही लिया करें जी। जो लंगर है वो सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, वो कभी भी आपने इधर उधर नहीं फेंकना होता, इसलिए जितना जरूरत होती है उतना ही लेना होता है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जीवन तेरा बुलबुला पानी, चार दिनों की है जिंदगानी, तो नाम दयाले दिन रात परानी, नाम दयाले दिन रात परानी, हो जे काकदी देरी, क्यों करता है मेरी मेरी झूठी है सारी जीवन कहानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो नाम दयाले दिन रात परानी, नाम दयाले दिन रात परानी। लाकर बंदा बेद पाप कमाए, माया फाद किसे ना जाए, है सब यहाँ पड़ी रह जाए, माया बनी है दुनिया की रानी, दुनिया भारती इसका पानी, तो नाम दयाले दिन रात परानी, नाम दयाले दिन रात परानी।
वहाँ सिकंदर जंगल में था खेलन गया शिकार, वहाँ पर हो गया उसे बुखार, कहने लगा पुकार पुकार, माता मिला दे चाहे पिला दो पानी, पानी बगैर मेरी कई जिंदगानी, तो नाम दयाले दिन रात पराने, नाम दयाले दिन रात पराने। तेरे आसरा जो भाई बहन कर्नाटक से आ रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो जल्दी आके साथ संगत के साथ मिलकर बैठे जी, श्री सुमित साहब भजन बोलने के लिए तैयार रहे, सत्कार में सभी ने नारा बोलना है जी। धन सदगुरु तेरे आसरा श्री सुमित इंसान भजन बोल रहे हैं जी, इनके बाद श्री नरेश इंसान व श्री रामवीर इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सदगुरु की प्यारी सात संग जो भाई बहन कर्नाटक से बाहर हैं उनसे प्रार्थना की वो जल्दी आके सात संगत के साथ मिलके बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरे आसरा। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, इस जन्म में दो काम करो। एक नाम ही बड़ा पदार्थ है, जो खाए अमर हो जाता है, बिन भाग के नाम ये मिलता नहीं, कोई भागों वाला पाता है, कोई भागों वाला पाता है, इस जन्म में ये दो काम करो। नाम सब रोगों की दवाई है, जो साथ परहेज के खाए जी, डर काल का है फिर मिट जाता, चौरासी में ना जाए जी, चौरासी में ना जाए जी,
इस जन्म में ये दो काम करो। नाम पापों का है नाश करे, दुख जन्म मरण मिट जाए जी। भव सागर से हो पार जाए, मुक्ति पद को है पाए जी। घर सतलोक सच खंड जाए जी, इस जन्म में ये दो काम करो। तलवार लोहे की ऐसी है, जो एक को काट अनेक करे। तलवार प्रेम की ऐसी है, जो सबको जोड़ के एक करे। जो सबको जोड़ के एक करे, इस जन्म में ये दो काम करो। को हर दम याद रखे, वो नाम प्रभु का ध्याता है। शस्त नाम जी कहे वो संतों के, वचनों पे अमल कमाता है। और जीवन सफल बनाता है, इस जन्म में ये दो काम करो। एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी। मौत याद रखो, मालिक से डरो, इस जन्म में ये दो काम करो। दानंद सतगुरु तेरे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री नरेश सिंह साहब है, श्री रामेर साहब भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु साहब भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिसने जपा नाम वो लाभ है उठा गया। जिसने जपा नाम ना जन्म
चौरासी के फेर से काट कर गुलामी फिर आजाद होकर आ गया। किसने जपा नाम ना जन्म गवा गया। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करिया परोसा जिन्ना गुरु पीर ते, लंग जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के। करिया परोसा जिन्ना गुरु पीर ते, गुरु पीर ते, गुरु
पीर ते लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ी रे करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर ते लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के भीड़ के लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के रहिंदा नहीं घाटा उन्ना किसे चीज दा बदल जांदा है नक्शा नसीब दा मन देन जेड़े बचन फकीर दे मन देन जेड़े बचन फकीर दे लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के सच दी ही जित हुंदी ए अखीर ते लंघ जांदे बंदे ओ पहाड़ चीर के सदके मजावा ऐसे सोने पीर दे लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर दे करिया भरोसा जिन्ना गुरु पीर दे लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के लंघ जाते बंदे ओ पहाड़ चीर के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक की सजन बाजी प्यारी सत्संग जी सच्चे दाता रहे बरके अनमोल वचन आपकी सेवा में रज करते हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नफरत से दामन बजाते चलो प्रेम के गुण गीत गाते चलो रे बस प्रेम के गुण गीत गाते चलो नफरत की ये आग ऐसी
चेतन को रहे जलाती, अंदरे अंदर साड़ रही है नजर किसी नाती, प्रेम के जल से बुझाते चलो, प्रेम के गुणगीत गाते चलो रे भाई। जिस घर में ये आई बीमारी प्रेम जरा ना छोड़े, बहुत दिनों से बना प्रेम जो मिनटों में है तोड़े, सुख पाना इसको बगाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते जरूर भाई। कितना नीची होए रिश्ता ये परवाना करती, ऋषि मुनियों और अकलमंदों से भी नहीं कभी डरती, इसका काम दिल जलाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते जरूर भाई। नफरत से दामन बजाते चलो, नफरत से दामन बजाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते चलो रे भाई, प्रेम के गुण गीत गाते चलो। जिंदगी में अगर सुख है पाना, इस अग्नि से बच जाओ, संत शरण में ना कर भाई, प्रेम गमाओ नाम जाओ, प्रेम का दीप जलाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते चलो। ईर्ष्या करने वाला किसी का सके न कुछ बिगाड़े, अपनी आग से अपना ही घर अपने हाथों साड़े, उजड़े हुए घर को बसाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते चलो। प्रेम बराबर दुनिया में है और चीज ना कोई, प्रेम बिना आगे दरगाह में कभी ना मिलती ढोई, प्रेम ही प्रेम कमाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते चलो, नफरत से
दामन बजाते चलो सिम के गुण गीत गाते चलो रे भाई। क्या हुआ अगर दौलत नाही हाफिज कर शुक्राने मीठा बोलने जैसे अच्छे और नहीं है खजाने बचनों पे अमल कमाते चलो देव गे गुण गीत गाते चलो रे भाई। मालिक मालिक प्रेम है संत सभी बतलाते प्रेम रूप में घट घट बैठे प्रेम से नजरियाते अपने ही अंदर दर्शन पाते चलो प्रेम के गुण गीत गाते जरूर प्रेम के गुण गीत गाते जरूर। शास्त्र नाम जी यहाँ ईर्ष्या वहाँ रहे ना प्रेम प्रेम ईर्ष्या रहे ना इकट्ठी कुदरत का ये नियम ईर्ष्या को दिल से भगाते चलो प्रेम के गुण गीत गाते चलो नफरत से दामन बजाते चलो नफरत से दामन बजाते चलो सिम के गुण गीत गाते चलो रे भाई सिम के गुण गीत गाते चलो। नंदन सरीर तेरा यस। अभी आपने भजन में सुना नफरत से दामन बजाते चलो प्रेम के गुण गीत गाते चलो। मालिक का प्यार उसकी मोहब्बत बेइंतहा खुशियां देने वाली है। मालिक के प्यार में कहने सुनने से परे एक नशा है एक लज्जत है एक परमानंद समाया है जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो जीव मालिक के प्यार से जुड़ जाया करते हैं जो मालिक के प्यार को कमाते हैं उनके अंदर कमी नहीं और बाहर भी कोई कमी नहीं रहती। मालिक का प्यार एक गुनाहगार को भी ऐसी निगाह बख्शता है कि वो मौला बन जाता है। मालिक का प्यार एक पापी गुनाहगार को भी अपने नूरी स्वरूप से मालामाल कर देता है। और मालिक के प्यार में जो जीव डूब जाते हैं वो सारी दुनिया तो क्या दोनों जहान में तैर जाते हैं पार हो जाते हैं। तो भाई मालिक के प्यार में बेहद खुशियां हैं बेइंतहा रहमतें हैं। जो जीव इसको पा लेते हैं उन्हें बहुत खुशियां मिलती हैं। पर नफरत से दामन बचाते चलो नफरत ना करो ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष ये इंसान को जलाने वाली आग है। मेरे प्रवाज ने फरमाया ईर्ष्या करने वाला किसी का
सके ना कुछ बिगाड़े, वचन तो वचन होते हैं। कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी को देख के जल रहा है, जल बुन रहा है, ये तो ऐसा वो वैसा, ये कैसा इसको वो उसको नहीं, ऐसा करने वाला बेपरवाजी फरमाते हैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि अपनी आग से अपना ही घर अपने हाथों साड़े। वो इंसान अपने हाथों से ही अपने घर को यानी अपने शरीर को जलाता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, नफरत अंदर चलती रहती है, जिसको देखता अच्छा ये, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं देखा जिसमें ये ना कहते हो कि अच्छा ये मेरे से आगे निकल गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे आगे है, कैसे गिराऊं, कैसे ज्यादा खुशियां पाऊं। वो लोग हमेशा जलते रहते हैं, तड़फते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। आपने अगर मालिक का प्यार पाना है तो निगाह ना तो दूसरों की तरफ, मालिक और अपने बारे में सोचो, अपने बारे में कि तुझ में क्या कमियां हैं, कौन सी गलत आदतें हैं उनको निकाल डालो, और मालिक के बारे में कि वो दोनों जहां का दाता हर पल हर समय हर जगह देख रहा है, उससे झूठ नहीं बोलूंगा, उसके सामने तौबा करूंगा और सुमरन करूंगा। बस दूसरों से क्या लेना है, दूसरों से जलने से क्या आपकी झोली भरती है, किसी के भी जलने से क्या आपको कभी खुशियां मिली हैं। इसलिए किसी को देख के जला ना करो। हमने देखा इंसानियत तक भूल जाते हैं लोग, वरना हमने देखा काल का तो और ही ऐसा है, किसी के जरा सी कोई खरोंच आए, चोट लगे, ऐसा भी हमने देखा, लोग दौड़ के इकट्ठे हो जाते थे, बड़े भक्त लगते, वाह भाई वाह। चाहे किसी के भी है, जरा सा हुआ हो, कोई बात हुई हो, किसी के चोट लगी, किसी को दर्द हुआ, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को भूख लगी, बड़ा दौड़ के चले आते, ऐसा करते। लेकिन जब ईर्ष्या की आंधी चढ़ती है, कौन सी इंसानियत, कैसे इंसानी गुण, सारे जीव भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, बस अपनी ईर्ष्या में सड़ता रहता है। हम अपनी आंखों से ये प्रैक्टिकल होते देख रहे हैं। उनकी इंसानियत लगा करता था कि और इनमें चाहे अवगुण है लेकिन इंसानियत तो है, पर ईर्ष्या ऐसी आग है वो उसे भी जला के राख कर देती है। तो ईर्ष्या कभी ना करो, नफरत कभी ना करो, बल्कि सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला मांगो, सबके लिए प्रार्थना करो, तो वो प्रार्थना किसी के लिए लगे ना लगे पर आपके लिए बहुत बढ़ चढ़ के लगेगी, आपको बढ़ चढ़ के खुशियां देगी, क्योंकि मालिक देखता है कि आप उसकी औलाद के लिए भला मांग रहे हैं। तो यही बेपरवाजी ने फरमाया है, कहें शास्त्र राम जी जहां ईर्ष्या वहां रहे ना प्रेम, प्रेम ईर्ष्या रहे ना इकट्ठे। कुदरत का यह नियम कि ईर्ष्या कभी भी किसी को सुख चैन से जिंदगी जीने नहीं देती। जिनके अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, उनके अंदर मालिक का प्यार कभी नहीं रहता। और जहां प्यार है वहां ईर्ष्या कभी नहीं रहती। कभी भी इंसान अपने आप को बड़ा नहीं मानता, साबित करता है कि कर्मों से, मालिक के प्यार से, कि मालिक उसे कितना बड़ा बना देता है, लेकिन ना उसके दिल में, ना दिमाग में, ना बाहरी कार्यक्रमों से या किसी भी कर्म से ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई मान बढ़ाई का चक्कर है या कोई सुख सुविधा के लिए वो रोता चिल्लाता है। क्योंकि जो मालिक से प्यार करते हैं उनको सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मालिक से प्यार करते हैं। सुख सुविधाएं तो उसके कदमों में लोटपोट होती रहती हैं। इसलिए उस मालिक से प्यार करो। प्रेम ईर्ष्या रहे ना इकट्ठी, कुदरत का ये नियम, प्यार मोहब्बत और ईर्ष्या नफरत, ये दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं रहते, ईर्ष्या और प्यार कभी भी। इसलिए भाई अपने अंदर की ईर्ष्या को, अपने अंदर की नफरत को हटा दो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, राम नाम के द्वारा, परमार्थ के द्वारा। जैसे ही ये अंदर की ईर्ष्या, अंदर की नफरत की भावना हट जाएगी, आप मालिक के और करीब हो जाएंगे और मालिक आपको माफ करके अपने प्यार मोहब्बत से मालामाल जरूर कर डालेंगे।
इसलिए ईर्ष्या त्यागो, नफरत त्यागो और मालिक के नाम जपने में लगो और मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार किया करो। विदेशों से बात करना चाहते हैं, मनीला फिलिपाइन से, बोलो भाई बात करो। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही यात्रा, पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही यात्रा। बोलो जी। मैं आपका बेटा हरी नारायण इंसा मनीला प्रोटीन तो बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी, दुर्गति नसीब महीने दिया आप जी नो से सारी साध संगत साड़ी प्रोटीन की सारी साध संगत बनो लख लख मुबारक जी। दान दान सतगुरु तेरा ही यात्रा। आशीर्वाद बेटा। प्यारे पिता जी, तुसी मेहर कीती सी, मैं जनवरी दे पढ़ारे ते इंडिया आया सी तां जो अमरविंदर सिंह जो नाले दा जाप करदा है उसके माता पिता मैनू मिलण लई आए थे, कहन लगे तुसी साडे बच्चियां दी संभाल कीती असीं तुहाडा देण किवें दईए। पिता जी मैं उहनां नूं इह कहा वी जे तुसी इस गल लई मेरा धन्नवाद करना चाहुंदे हो तुसी नाम लै लो। पिता जी ओ 25 जनवरी नूं पढ़ारे ते वाले दिन नाम लै गए। पिता जी हुण उहनां दे सारे परिवार ने नाम लै लिया ते कुछ रिश्तेदारां ने भी नाम लै लिया। पिता जी तुहाडी मेहर नाल उहनां ने अगस्त महीने विच अपने घर नाम चर्चा करवाई। पिता जी मैनूं इस गल का पता नहीं सी वी उहनां दे कल घर नाम चर्चा सी। पिता जी तुसीं उस दिन मैनूं इन्नियां खुशियां दित्तियां, तुसीं सारी रात मेरे कोल बैठे रहे। पिता जी मैं थोड़े नाल रज रज के गल्लां कीतियां। पिता जी जो कुछ मेरे नाल अज तक होया मैं थोनू सारा कुछ दस्सिया भी पिता जी मेरे नाल आ कुछ होया जी आ दिन भी मैं देखे। पिता जी तुसी मेरा सारियां गल्लां सुन के पिता जी लास्ट विच तुसी वचन फरमाए, बेटा सब तो वड्डा नाम है जो तुहानू मिल गया। पिता जी इसे तरह ही ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਾਰ ਜੀਵ ਆਏ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਹਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੈਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਣ ਪੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਮਨਾਉਣੀ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਨੇ ਡਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਟਿਕ ਸਿਸਟਰ ਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਚਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਇੰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਮ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਚ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰਿੰਸਾ ਮਨੀਲਾ ਬਲਪੀਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 14 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 60 ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੀ ਪੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲੱਡ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀ ਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੀ ਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਪੈ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬਸ ਤਨ ਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਸੰਭਲ ਦੇ ਤੈ ਤੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੈ ਤੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਤੋਂ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਮ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਦੂਰ ਪਜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਸੰਭਲ ਦੇ ਤੈ ਤੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਚੋਗ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਚੋਗ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਆਰੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੇ ਬਸ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਇਹੋ ਅਰਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਚਮਲ ਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈਏ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋ ਸੰਗਤ ਲਿਆਈਏ ਆ ਕੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਏ ਇਹੋ ਅਰਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਚਮਲ ਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨ ਸ਼ਾ ਮੌਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਜੋ ਬਚਨਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਚੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਬਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ 25 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਾਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਨੀਤ ਇੰਸਾ ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਨੀਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ ਗਮ ਅੱਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜੇ
अरदास मालिका अल्लाह के पहले अरदास पिताजी करुणा के पहले वाजी दंडन सतगुरु तेरा आशीर्वाद पिताजी पिताजी मैं लेना तो जाम पीना के लोग लेना ठीक है जी ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਯਾਤਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਗਾਏ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ देश विदेश में सह संगत अपना काम धंधा करती हुई 524 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1435 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में सह संगत लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जो भी परिवार बैठे हैं उन सबको भी आशीर्वाद शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशाल लेने वाले 5 भाई 2 बहने अपनी जगह पे खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाएं और धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं बाद में प्रसाद ले लीजिए आशीर्वाद आशीर्वाद एक भाई पश्चिम बंगाल से आए हैं जी स्वागत आपका आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए घर जाने वाले सेवादार 7 से 8 दिन वाले बरेटा के 15 सेवादार 7 दिन की सेवा बलाग चुके कला के 10 सेवादार 4 दिन की सेवा और एक फौजी भाई पुणे से परिवार सहित 5 दिन की सेवा खड़े हो जाएं जितनी सेवा की है सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले घरों में खुशियां बख्शे प्रसाद ले जाना सारे परिवारों को कहना पिते ने आशीर्वाद भेजा मालिक घरों में खुशियां दे आशीर्वाद आशीर्वाद बैठ जाए बीमार वे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको प्रसाद दे रहे हैं प्रसाद ले लो दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लो नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल मुझे दवाई ले लो राय ले लो जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना कैंसर या लाइलाज बीमारी है दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने है जी और खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है वो सत्संगत बैठे बैठे नारा लगाते मालिक माफ करेंगे 3 वचनों में पता है कि गलती हुई है पहली बार जिनसे गलती हुई है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ इधर उधर मत देखो खड़े हो जाओ और खड़े रहो आपको माफी दिलवानी है मालिक से और कुछ नहीं कहना खड़े हो जाइए हाँ जल्दी कीजिए इधर उधर मत देखो चुपचाप खड़े रहना है तो गलती करनी नहीं चाहिए खुशियां बहुत पीछे जाती हैं पर अगर सच्चे दिल से माफी लोगे सुमन करोगे तो मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं जी आशीर्वाद आशीर्वाद जोर से नारा लगा के बैठ जाओ जी बैठ जाओ मालिक माफ करेंगे प्रसाद दोबारा लिया पाखंडों में पड़े नाम सुन लिए 4 बार जाम पिया दर्शन होते बता दिए प्रसाद गुम हुआ गलत सोचा अश्लीलता देखी खजाने वाला सिक्का गुम हुआ आश्रम से पैसे चोरी किए भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया था शादी करवा ली तो भक्ति योद्धा वाली खुशियां तो सब चली गई भाई बाकी अपने कर्मानुसार खुशियां मिलती हैं बाकी जो भी और गलतियां जो लिखी हैं ये कभी भी दोहरानी नहीं चाहिए नारा लगा दे मालिक माफ करने वाले जब कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है अपनी जगह पे चुपचाप खड़े हो जाओ और जल्दी करो शोर नहीं करना चुपचाप खड़े रहना आपको आशीर्वाद कह रहे हैं और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ सारे भरम भूत आपके भगा दिए हैं हॉस्पिटल से दवाई ले लेना कोई भूत बात नहीं आपके अंदर सब चले गए बैठ जाओ जल्दी खड़े रह गए तो भूत रह सकता है जल्दी बैठो तो भूत आपके सब भाग गए हैं जी सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं मालिक अलग से खुशियों से नवाजे शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार 12,100 रुपए तथा खड़े हो जाओ 9 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे खड़े हो जाए तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते मालिक आपका आपस में प्यार बढ़ाए परिवार का घर में खुशियां आए और मालिक से प्यार बढ़े सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे आशीर्वाद आशीर्वाद बैठ जाइए सेवादार प्रसाद ले लीजिए काफले वे सड़क पर ड्यूटी देने वाले जितने भी आप सेवा करते हैं कई गुणा बढ़ के मालिक आपकी जोड़ियां सेवा सिमरन सत्संग से भरे जी घरों में खुशियां आए प्रसाद लेना मालिक रहमो करम से नवाजे आशीर्वाद जी आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाइए आशीर्वाद
बैठ जाए। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है जी, बेहटा जूनू बरेली उत्तर प्रदेश से, खड़े हो जाएं जी। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। सारा परिवार सुमन करो, जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है, सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। सात संगत में अगर नशा छोड़ना है 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखो परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी सात संगत में प्रसाद पेन शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी छोटे बच्चे को लेके आके आशीर्वाद ना बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो कुछ सुनाना चाहते हैं, बाहर टीम जाके आई है। हाँ जी बोलिए। बंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी महाराष्ट्र से नाम चर्चा की टीम आई है जी, वो कुछ सुनाना चाह रही है जी। जी, जी। सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना जी। बोलो पिताजी। सबसे पहले महाराष्ट्र की सारी सात संघ की तरफ से आप जी के चरणों में कोटि कोटि धन। पिताजी आपके चरणों में नारा लगा रही है जी सारी महाराष्ट्र की संगत। पिताजी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के पारडी गांव की संगत आपकी दया में रहमत का करिश्मा इस प्रकार बताती है जी। पिताजी पारडी गांव से संगत 20 जनवरी 2011 को दरबार डेरा सच्चा सौदा शीर्षे में आई थी। उस संगत में एक लड़का था जो दिमागी रूप से परेशान था। पिताजी वह लड़का 26 जनवरी 2011 को सचखंड हाल से कहीं गुम हो गया था। हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। पिताजी आप जी के चरणों में अरदास की कि वह लड़का वापस घर आए। पिताजी आप जी ने वचन किए कि आप लगातार सुमरण करते रहना और वह लड़का घर अपने आप वापस आ जाएगा। पिताजी आपके हुक्म अनुसार हमने सुमरण किया। पिताजी 12 सितंबर 2011 को नामचर्चा टीम वहां पहुंची और नामचर्चा की और पिताजी प्रसाद बांटा और सभी ने बैठकर सुमरण किया। पिताजी आपकी रहमत से उसी रात को लड़का घर वापस आ गया और वह पिताजी पूरे बूट सूट पहनकर आया था पिताजी। और सभी लोग यह देखकर गांव व शहर के लोग आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगे डेरा सच्चा सौदा वाला कोई आम नहीं, वह खुद खुदा कुल मालिक भगवान है जी। पिताजी आप सभी वो सभी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पिताजी वाणी महाराष्ट्र से विजय कलिया आपकी दया में रहमत का करिश्मा इस प्रकार बताता है। पिताजी मेरी घरवाली अंधविश्वास में बहुत विश्वास करती थी और हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत के पास जाया करती थी। जो औरत माता रानी की पूजा करती थी और वह मेरी घरवाली से माता के नाम पर पैसे लेती थी। जब से पिताजी हमने आप जी से नाम दान लिया और उस औरत और आप जी पे विश्वास करके हम उस औरत को चढ़ावा देना बंद कर दिया और पिताजी वह तरह तरह की उल्टी सुलटी बातें बोलने लगी। और मेरी घरवाली जब गर्भवती थी तो वह कहने लगी कि तेरे होने वाले बच्चे को मार दूंगी और हमारे घर में कभी उना टुना कर देती और कभी नींबू हमारे आंगन में फेंक देती थी। और पिताजी लेकिन हमने इन सब की कोई परवाह नहीं की और आप जी का सुमरण करते रहे। पिताजी आपकी रहमत से मेरे घर लड़के का जन्म हुआ और वह बिल्कुल तंदुरुस्त है और वह और जो कहती थी कि तेरे बच्चे को मार दूंगी यह सब देखकर पिताजी वह गांव छोड़कर भाग गई है। पिताजी आप जी ने पता नहीं उसको क्या दिखाया और उसका पता नहीं पिताजी वो कहाँ रहती है। और वह सभी परिवार आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिताजी और अर्ज कर रहे हैं पिताजी आप जी उसी परिवार पर ऐसी दया में रहमत बरसाते रहना। पिताजी जगदीश नागपुर महाराष्ट्र से आपकी दया मेहर रहमत का करिश्मा इस प्रकार बता रहा है। पिताजी हमारे पड़ोस में एक बहन को बच्चा होने वाला था। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोल दिया कि बच्चा ऑपरेशन से होगा। हम सभी पिताजी बहुत परेशान हो गए और घबरा गए। तभी पिताजी मैंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में फोन कर गए 25 मेंबर 22 से पूछा कि पिताजी की दृष्टि वाला प्रसाद क्या उस बहन को दे सकते हैं। तब भाई ने बताया कि नारा लगाकर प्रसाद दे दीजिए, बाकी पिताजी खुद करने वाले हैं, जो उन्हें मंजूर होगा वही होगा। पिताजी वो प्रसाद देने के बाद आप जी की रहमत से
उस बहन को बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है पिताजी। यह सब कमाल आप जी की दया में रहमत कह जी। सभी सासंगत आप जी का लाख लाख बार धन्यवाद करती है जी और कहती है कि हे मेरे कुल मालिक, हमारी सारी सासंग में ऐसी दया दृष्टि प्यार भरी रहमत बरसाते रहना जी। पिताजी हरप्रीत इंसा नागपुर से आपकी रहमत का करिश्मा इस प्रकार बताते हैं। पिताजी नागपुर से एक लड़के को नशा छुड़वाने के लिए हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने पर गेट नंबर 2 के पास वो लड़का बोला, या तो मुझे नशा दो या फिर घर ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ किसी वाहन के नीचे आकर मर जाऊंगा। पिताजी हमने आप जी के चरणों में अरदास की और सुमिरन किया और उसे जैसे तैसे करके मनाया और उसे दरबार के हॉस्पिटल में लाकर दवाई दिलवाई और बाद में पिताजी आपसे नाम दिलाकर यहीं पर 15-16 दिन रखा। नागपुर जाकर हमने उसे घर से बाहर 20-21 दिन नहीं जाने दिया तथा सुमिरन करने को कहा। पिताजी आपकी दया मेर से वह लड़का अब बिल्कुल नशा छोड़ चुका है। यह सब पिताजी आपकी दया मेहर का कमाल है। वह लड़का कहते पिताजी नशा, जब मैं नशा करता तो मेरा जीवन नरक में ही था, कुल मालिक दातार ने मेरा नशा छुटवा कर मुझे जीने का असली ढंग सिखा दिया है। वह पिताजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता है जी। पिताजी हीरा लाल उल्लास नगर महाराष्ट्र से आपकी दया में रहमत का करिश्मा इस प्रकार बता रहा है। पिताजी नाम लेने से पहले मैं चौक में 4 पाई पर रेडीमेड कपड़ा बेचा करता था। तब पिताजी सेल बहुत कम होती थी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जब पिताजी आप जी से नाम दान लिया और आपके पावन चरण हमारे यहाँ पड़े, तब से पिताजी मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और आज मेरे पास चौक गांव में एक मेरा बहुत बड़ा शोरूम है तथा कपड़े का व्यापार भी बहुत बड़ा है। और आपकी दया मेर से पिताजी अब मैं करोड़पति हो गया हूँ। कहीं पहले तो मेरा घर का गुजारा भी नहीं चलता था और पिताजी आपने ऐसी रहमत भरी वर्षा की कि मेरे अब आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं जी। यह कैसे हो गया? तो पिताजी मैं आप जी का नाम लेता हूँ और आप जी के बारे में बताता हूँ कि वो कुल मालिक भगवान ने ये सब किया है और आप जी का पिताजी वह बार बार धन्यवाद कर रहे हैं जी। पिताजी महाराष्ट्र की सात संगत का आप जी के पवित्र चरणों में नारा लगा रही है, पिताजी दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और आप जी से अर्ज कर रही है कि पिताजी महाराष्ट्र में आकर जल्दी सत्संग फरमाओ और उन तड़पती हुई रूहों को की प्यास बुझाओ जी। पिताजी पिताजी बोलने में कोई गलती होगी जी बेटा। और प्यारी सत्संग जी, आपने सुना कैसे घर बैठे बैठे लोग नजारे लूटते रहते हैं, कितना नजारा आता है, कितनी खुशी आती है, जो तन लागी सो तन जाने। करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। हम तो सेवादार खाकसार हैं भाई, सबके सेवा में सतगुरु करवाने वाला सब कुछ कर कर आ रहा है और करवाता रहेगा। सो बचनों पे इंसान को पक्का रहना चाहिए। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, फिर जाने का विचार तो समय अनुसार जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए सभी साध संगत इसी तरह से प्रेम से सजी रहे जी।